ब्रॉडसाइड एरे। देखिए एंटीना एरे की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म में एरे जो होती हैं वो कनेक्ट होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। इसमें फर्स्ट होता है ब्रॉडसाइड एरे। ब्रॉडसाइड एरे क्या होता है, ये क्या होता है कि एरे, सबसे पहले एरे क्या होता है, नंबर ऑफ एंटीना जब एक लीनियर फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं तो एक एरे बनाते हैं, तो एरे उसे बोला जाता है। और ब्रॉड साइड एरे का बात करें तो ब्रॉड साइड एरे जिसमें नंबर ऑफ आइडेंटिटिकल एंटीनास पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं एक लाइन में, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं उसके जो एक्सिस होती है, एंटीना एरे एक्सिस होती है उसके रिस्पेक्ट में, वो होता है ब्रॉड साइड एरे। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ एंटीनास दिए गए हैं, एंटीना 1 से एंटीना नंबर 7 तक, जिनकी हर एक एंटीना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे, एक दूसरे के डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है एंटीना एरे एक्सिस के। तो ये क्या होते हैं, ब्रॉड साइड एरे होते हैं। ब्रॉड साइड एरे हर एक एंटीना या फिर कहें हर एक एलिमेंट एक इक्वल स्पेस में लाइन में एक दूसरे हर एक एलिमेंट कनेक्ट होता है, जिन्हें करंट फीड किया जाता है, और जो करंट हर एक एंटीना पे दिया जाता है सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उसका फेस भी सेम होता है। ये ब्रॉड साइड एरे को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अरेंजमेंट होती है ब्रॉड साइड एरे की, इसमें क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर होते हैं उसके एरे एक्सिस की, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो इनमें क्या होते हैं, मैक्सिमम रेडिएशन आती है, जो भी इसमें देखिए इसकी जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है एरे एक्सिस पे। तो इसमें जो भी हमारा रेडिएशन होगा, एक दोनों डैश, जैसे कि हम रेडिएशन पैटर्न देखें अगर, तो ये क्या है रेडिएशन पैटर्न, ये इसका रेडिएशन पैटर्न है। ये क्या है कि रेडिएशन होगी ये डायरेक्शंस में, दोनों एक्सिस की डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशंस होती हैं, मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न होता है ब्रॉड साइड एरे में। ये क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है ब्रॉड साइड एरे, जो कि बाय डायरेक्शनल रेडिएशन होती है और इसमें मैक्सिमम रेडिएशन होती है, यानी कि जो मेजर लोब है, बिग लोब्स है, ये क्या शो कर रही है, मैक्सिमम रेडिएशन को शो कर रही है। और इसके अलावा जो दूसरी डायरेक्शन है ये क्या है, यहाँ पे ये मिनिमम रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ब्रॉड साइड एरे क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होती है जिसमें एक जो हमारा रेडिएशन होता है, प्रिंसिपल डायरेक्शन रेडिएशन होता है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एरे एक्सिस। और इसमें क्या है कि जो हर एक एलिमेंट है, जो हमारे एंटीना है, ये हमारे परपेंडिकुलर होते एक्सिस के, ये इसकी रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रॉड साइड एरे की। और इसको अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें एरे का, तो क्या होगा, ये कुछ इस फॉर्म में फ्रंट व्यू देखते हैं, तो इस ये फ्रंट व्यू, तो इसको कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीना को रिप्रेजेंट करता है ये डॉट है, तो ये क्या है, इसका फ्रंट व्यू है। तो इसमें देखिए कि इसको जो फीड पॉइंट होते हैं, इसके जो फीड पॉइंट होते हैं इसके सेंटर से, ये सारे इसके फीड पॉइंट होते हैं जहां से सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल पैटर्न होता है ब्रॉड साइड एरे का, लेकिन हम इसे यूनिडायरेक्शनल भी बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम इंस्टॉल करते हैं एक आइडेंटिटिकल एरे को, जो हमारा एरे होता है उसके पीछे एक आइडेंटिटिकल एरे लगाया जाता है लैम्डा अपॉन 4 के डिस्टेंस पे। और वो क्या होता है, वो जब एक्साइट होता है उसका जो करंट होता है वो लीड करता है कितने फेस पे, 90 डिग्री के फेस पे, या फिर पाई अपॉन 2 रेडियन पे। तो उससे क्या होता है, ये बाय डायरेक्शनल हो जाता है। तो ब्रॉड साइड एरे की ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, और इसमें जो इसका पैटर्न होता है रेडिएशन पैटर्न, वो क्या है, हॉरिजॉन्टली शो किया गया है। तो ब्रॉड साइड इसको कपल्ड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमारे दो आइसोटॉपिक रेडिएटर्स जब ऑपरेट करते हैं एक फेस में, तो उसमें एक अट्रैक्शन आती है, एनफोर्समेंट आती है,
जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और यही रिप्रेजेंट करता है ब्रॉड साइड एरे को, जो इसमें क्या है कि वेरियस फॉर्म्स होती हैं। ब्रॉड साइड एरे की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सेकेंड फॉर्म जो है वो है एंड फायर एरे, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।